हाय फ्रेंड्स, आज आम बनवा गुड़ दि चाउल खीरी। आगे आसुवा मकर संक्रांति या फिर कौन से भी पूजा पर्व घरे थरे निश्चय बनातु। ये बहुत ही टेस्टी बनबो। ये रेसीपी को अन्य मानक सहित सेयार कर निश्चय सिखातु। वीडियो तले कमेंट कर मत निश्चय जनबे केमती। पूर्व आपड़ मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ, साइड में बेल आइकन को नुआ रेसीपी नोटिफिकेशन पे निश्चय क्लिक करूँ। ये खीरी बनवाई मुझे खीरी चाउल गोटे मुठा नहीं। आपण चाहिए बासुमती राइस भी यूज करें। सहित मोठा चारोटी पांचटी छोट गुजराती सहित अल्प किसी आलमंड नहीं, सहित अल्प किसी पिस्ता। आपण आपण दरकार मुताबिक कौन भी ड्राई फ्रूट्स यूज करपारती। गुड़ नहीं, गुड़ आपन को मार्केट बहुत इजिली मिल। सहित अल्प किसी काजू बादाम, आपण चाहिए किसमिस भी यूज करें। यह सब जिनस सहित मुझे गोटे लिटर कंचा क्षीर नहीं। ता सहित मुठार अल्प किसी घी आ सहित एठार मु अल्प किसी मिल्कमेड नहीं। आपड़ चाहिए खोया भी यूज करें। प्रथम ये चाउल को आम पानी रे भिजे कि 30 मिनिट पर्यंत भिजेपी छाड़ नवा। 30 मिनिट पर्यंत सोक करके रखिले आमर खीरी बहुत बढ़िया बनबो। एपटे गोटे कड़ई में आम गोटे लिटर क्षीर को भल भाव बॉइल करवा। एठार मुझे मोटा कड़ई नहीं। ये देखु क्षीर अबे बॉईल हवाक लगे। ये जितने भल भाव फुटी एबे सीम रे 5 रु 6 मिनिट भल भाव फुटे नवा। एबे क्षीर को आम 5 रु 6 मिनिट लो फ्लेम रे एमती फुटिया पे दबा। एपटे गोटे तावा रे आम गोटे बड़ चमच घी को भल भाव गरम करवा। घी जो भल भाव गरम होध घंटू भिजे रखि चाउल को यठार आम मीडियम फ्लेम चाउल को टी फ्राए कर नवा। भिजेथिबा चाउल को जदि घी रे आमे भाजिबा खीरी बनला बेले तार गोटे बढ़िया कलर आ बासना आसिबो। एई स्टेप को आपण निश्चय फॉलो करंतु। ये देखंतु चाउल एबे हल्का गोल्डन कलर हेगलानी। याकु आमे बेसी समय भाजिबानी। ये टिके हल्का गोल्डन कलर हेगले एबे आमे गैस को बंद करिनबा। गैस को बंद कला परे एपटे आमर खीर 5 रु 6 मिनिट भल भाव फुटी गलानी। एबे सेथिरे फ्राई करिथिबा चाउल को पकि देबा। एबे चाउल को क्षीर सहित भल भाव मिक्स कला परे ताको आमे गोटे थर भल भाव बॉईल करी एबे लो फ्लेम रे कुक हवा को दबा। जेते पर्यंत चाउल आमर भल भाव कुक हो जाए खीरी रे रेसिपी को आपण अन्य मानक सहित शेयर करी से मानक निश्चय सिखांतु। आ वीडियो तले कमेंट करके मते निश्चय जनबे केमती लागिला। वीडियो को आपण लाइक करंतु। एबे आमे चाउल को एमती फुटिया पिन दबा। ये खीरी बनला बेले आप मझेरे मझेरे चल रही जमती चाउल तले लगे खीर बहुत जल्दी जली जाए से आप कंटिन्यूसली चल रही। चाउल खीरी बनला बेले आप सब मन रखु साइड रे अल्प किसी गरम पा या फिर गरम क्षीर रखु। जदि आप थंडा पा या फिर थंडा क्षीर डायरेक्ट खीरी में आड करेंगे तो खीरी आमर पांचिया ही फाटिज। ये देखु 10 रु 15 मिनिट पर ये देखते चाउल धीरे धीरे कुक हो। एबे सेथिरे आमे अल्प किसी गरम पानी ऐड करिबा ए खीरी को टिके पतला बनिया पे जेमती आमर चाउल धीरे धीरे फुटिया को लागिबो। खीरी आमर गाढ़ा ही जिबो सेति पे से ही मुताबक आपण पानी किंबा खीर यूज करंतु। एठारे मो अल्प किसी दरकार मुताबक गरम खीर ऐड करिबी। खीर को भल भाव फुटिला परे एबे आमे खीरी रे ऐड करिबा। आपण आपण को दरकार मुताबक गरम पानी या फिर गरम खीर यूज करंतु। एबे सेथिरे आमे अधा कप मिल्कमेड पकेबा। आपण चाहिले दुकान में मिलुथिबा खोया भी यूज करें। भल भाव मिक्स करिनबा। एबे आमे गोटे हेमदस्तारे चारोटी पांचटी छोट गुजराती को भल भाव गुंड करिनबा। ए क्रॉस करिथिबा गुजराती को आमे खीरी में ऐड करिबा। ये देखंतु आमर गुजराती पाउडर बनिकी रेडी अछि। एबे आमे खीरी में गुजराती गुंड को पकई नबा। सब जिनस को भल भाव मिक्स करी आमे लो फ्लेम रे ताकु एमती फुटिया पे दबा। एपट साइड रे गोटे पैन रे आमे अल्प किसी घी गरम करवा। घी जिते भल भाव गरम होमें काजू बादाम को मीडियम फ्लेम रे हल्का ब्राउन कलर हेला पर्यंत फ्राई कर नवा। आपण चाहिए किसमिस भी यूज करपारती। ए फ्राए कर काजू बादाम को आम खीरी में ऐड करवा। ए कटाही आलमंड ऐड करवा। अल्प किसी कटाही पिस्ता। आपण कौनसी भी ड्राई फ्रूट्स यूज करें। खीरी आमर लो फ्लेम रे कुक हेला परे राइस आमर बढ़िया भाव कुक होरी आमर बढ़िया थिक हो गला।
30 ରୁ 40 ମିନିଟ୍ ପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି ଆମର ପରଫେକ୍ଟଲି କୁକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗାଢ଼ା ବି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ କ୍ଷୀରି ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି କ୍ଷୀରିକୁ ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୀର ସହିତ ଗୁଡ଼ ପକାଇ ତାକୁ ଫୁଟେଇବେ, କ୍ଷୀର ଆମର ଛିଡ଼ିଯିବ ଆଉ କ୍ଷୀରି ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଗୁଡ଼ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପିଲରରେ ଏମିତି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କଦୁକଷ କରିନେବା। ଆପଣ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଗୁଡ଼ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଷୀରି ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଥିରେ ୟୁଜ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏଇ କ୍ଷୀରିରେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଥିବା ଗୁଡ଼ ପକାଇବା। ଏ ଗୁଡ଼ ଏଇ ଗରମ କ୍ଷୀରିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପେ ଆପେ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କ୍ଷୀରି ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଟିପ୍କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଆପଣ କ୍ଷୀର ସହିତ ଗୁଡ଼କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଫୁଟେଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଏବେ ଆମର ଗୁଡ଼ କ୍ଷୀରି ୟା ଫିର୍ ଗୁଡ଼ ପାଏସ୍ ବନିକି ରେଡ଼ି ଅଛି। ଏହି ରେସିପିକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏହି ଗରମ ଗରମ କ୍ଷୀରିକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଫ୍ରାଏ କରିଥିବା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, କାଜୁ ବାଦାମ, ଆଲମଣ୍ଡ ୟା ଫିର୍ ପିସ୍ତା ଦେଇ ଆପଣ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଗୁଡ଼ କ୍ଷୀରିକୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ୟା ଫିର୍ କୌଣସି ବି ପୂଜା ପର୍ବରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ଇଏ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏହି ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।